गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे आज ना मसाले वाली दाल बनी है एंड सिंपल दाल बनी है और ये चपातीज़ है जिनको मक्खन में अच्छे से सेक दिया है अश्मित जी ने। आज हम जाने वाले हैं मार्केट हैरी के लिए कुछ सामान लेने एंड होई माता का सामान लेने। और ये हमारे हस्बैंड जी चपाती को खाने लगे हैं दाल के साथ। और विशु, हम हैरी के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? कपड़े लेने जा रहे हैं हम को पापा के कपड़े में बैंड लगाएंगे तो फिर पापा बोलेंगे दिमाग खराब है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है अहोई माता का फास्ट आने वाला है और मेरे दो दो बेबी हैं जिनके लिए मैं अभी शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग से मीन्स पूजा का सामान लेके आएंगे। और करवा चौथ व्लॉग आपने देखा या नहीं देखा, ये है करवा चौथ वाली मेहंदी। थोड़ा बहुत सामान लेके आना है एंड जो मोती होते हैं ना अहोई माता में डालने वाले, वो यहाँ पे मिलने मुश्किल होते हैं थोड़े से, तो उसको हम सर्च करेंगे शॉप्स पे जाके कि ज्वेलर्स के यहाँ वो मिल जाते हैं। ऑनलाइन तो वो मिल रहे हैं बट बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, फिर डर लगता है कि कहीं फेक ना आ जाए, तो ओरिजिनल चाहिए होते हैं चांदी के। तो चलो चलते हैं। मेरा बड़ा बेटा आ गया है पहले और वो मुझे किसी 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 बोल रहा है कि मम्मा किसी करूँगा। आय आय बस 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 बहुत है इतनी, अब कैप भी उतर गई। ये है मेरा दूसरा बेटा, आप भी किसी करोगे? कर दो कर दो। तो अभी आए हैं सुनार के यहाँ, बट यहाँ पे वो मोती बोल रहे हैं नहीं चलते हैं और मिलेंगे भी नहीं जहाँ पे भी होगा। पर ये वाले हमने ना विशु की नज़रबंदी बनाने के लिए ले लिए, तो बड़े सुंदर से लग रहे थे, सोचा चलो। ओए हीरो, सारे कैलकुलेटर लेके बैठ गए, दे दो भैया को। चलो थैंक यू भैया। ये हमारे विशु ने शूज उतार दिए शॉप से। तो गाइस, ये है ज्वेलर्स और यहाँ पे ना मिलना बहुत मुश्किल है। पिछले साल भी मैंने मोती नहीं डाले थे और इस साल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो बाद में ही डालूंगी। इस बार तो मैं हरिद्वार जाऊंगी ना, तो कितने मुझे 6 मोती डालने हैं, तो 6 के 6 मोती लेके आऊंगी हरिद्वार से ही और फिर हम डाल लेंगे। तो अभी क्या है ना, मट्टी वाले जो करवे होते हैं वो ले लेते हैं। तो चलो। तो गाइस, एक बार ना इस वाले सुनार के पास भी पूछ लेते हैं मिलते हैं नहीं मिलते। ये साइज एक ये है, बड़े। हाँ भैया, इतने मैं आपको बताती हूँ ना, साइज थोड़े से इतने होते हैं। यहाँ से भी हमें खाली हाथ आना पड़ा, यहाँ पे भी छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। तो चलो रहने देते हैं ना, हरिद्वार से ही लेंगे। अभी बस मिट्टी वाला जो करवे होते हैं वो लेते हैं, बस इन्हीं दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। गलती से ना ये लोहे की कढ़ाई दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लोहे की कढ़ाई भी ले लेते हैं। तो भैया को मैं बोल रही हूँ, तेल हो कढ़ाई इतनी गंदी हो रही है, इसको घर पे जाके तो पहले धोना पड़ेगा। ये बैठ गए इधर महाराज जी, सारा है। लेना चुप रहो तुम। तो ये आ चुके हैं हम मिट्टी की शॉप पे जहाँ से हमें लेने हैं करवे। तो ये देखो बहुत सारे हैं। इस बच्चे को ना इतनी शैतानी सूझ रही है। कितना हो गया भैया? 110 रुपया था, 100 रुपया। ठीक है, दे दो, पन्नी में डाल दो भैया। भैया पन्नी में डाल दो, हम ऐसे तो कैसे लेके जाएंगे, ऐसे तो फूट जाएंगे। तो दे ही देगा ना। तो ये हो गए हैं हमारे अहोई माता के घड़े। इसमें पानी रखा जाएगा, इसमें तारों को चढ़ाएगा। हम घर पे आ चुके हैं अभी, और आज से ना हम एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हैरी 1 साल के तो होने ही वाले हैं, तो ना हम फॉर्मूला मिल्क से उसको ये गाय का मिल्क पिलाने वाले हैं, सागर दूध। ठीक है, देखते हैं आज क्या इफेक्ट होता है, क्या असर पड़ता है हमारे हैरी पे। तो आज से पाउडर वाला दूध बन। ये भी लिया है कढ़ाई। तो अब से मेरा बेटा पिएगा।
गाओ गाओ यहीं से गाओ 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 एक गाओ गाओ नहीं गाओ वही की बात है गाओ नहीं है काऊ मिल गया होता है इसमें फैट लेवल थोड़ा सा कम होता है होते तो सपोर्टर के हैं ये भी कल है मेरा फास्ट और फिर से हम फास्ट रखेंगे और कल रखोगे सिर्फ आप ये उबल चुका है डॉक्टर ने बोला है इसकी मलाई निकाल के तभी बेबी को पिलाना है सो फ्रेंड्स कल है विशु के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग एंड दिवाली का छोटा सा फंक्शन जिसके लिए विशु को बहुत ही छोटा सा गिफ्ट ले जाना था तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था और विशु जब भी कहीं जाते हैं ना शॉप्स पे अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं तो टीचर के लिए हम लेके आए हैं एक प्यारा सा रिंग एंड ये लाइट जो कि हमने ऑनलाइन मंगाई थी तो सोचा क्या गिफ्ट दें तो ये सबसे बेस्ट गिफ्ट लगा और कल अहोई माता का फास्ट भी है मैं आई डोंट नो कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर पाऊँगी और ये हम ना पैकिंग रैप भी ले आए हैं दो टाइप की रेड एंड ब्लू तो मैं इसको पैक कर देती हूँ तो पैकिंग का जो चार्ज है ना बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में जैसे कि 20 रुपीज़ हो गया देखो विशु अपने ना टीचर के लिए ये ना लाइट जला के दिखाएंगे कैसे विशु कैसे जलती है ओ वाओ टीचर को अच्छा लगेगा हाँ। तो चलो फटाफट से पैक करते हैं और कल चलते हैं पेरेंट्स मीटिंग में और विशु के पेपर देखेंगे कि विशु ने किस तरीके से अपने पेपर किए थे तो आप क्या बोल रहे थे मुझे हाँ जी मुझे, ये मेरे पास वो ब्लू वाला आप बोल रहे थे ना किसी का ये हाँ किसी का है वो मैंने उठा के देखा वो खोला फाड़ के वो फिर मुझे दिखा ये तो स्पाइडरमैन अच्छा ये अपने गिफ्ट की बात कर रहा है तो आपने ब्लॉग देखा होगा ना जब मैंने उसको गिफ्ट किया था तो ये ब्लू वाले में दिया था ना तो इसलिए बोल रहा है वो और अभी शाम के ना 7:30 बज रहे हैं मेरे को खाना भी बनाना है विशु आज सानवी का बर्थडे था आज नहीं था बहुत टाइम बाद था सो मैंने ये प्यारा सा गिफ्ट पैक कर दिया है और एक फ्री की एडवाइस आपको दूंगी आपके घर में छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं ना तो आपके घर में ना ये पैकिंग रैप जरूर होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है बच्चे वाले स्कूल में मतलब स्कूल टाइम में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो ना आप हर बार बच्चों के लिए छोटे छोटे कुछ ना कुछ देना पड़ता है स्कूल में तो हर बार आप 25 रुपये पैकिंग के दोगे ना तो मेरे को नहीं लगता कि ठीक है आप घर पे ही इजीली कर सकते हो टेप आपके पास होती है ये पैकिंग शीट आपको 10 से 5 रुपये की इजीली अवेलेबल हो जाती है तो बस 10 से 5 रुपये में आपका काम हो जाता है 25 रुपये देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो बस मैं इसको रख देती हूँ अश्विन जी कर रहे हैं हैरी का स्टॉलर पैक और इसमें अभी हैप्पी दिवाली नोट चिपकाना है तो अश्विन जी को देखते हैं अश्विन जी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हो आप ये और हमारे हैरी उधर बैठे हैं हमारे अश्मित जी ये स्टॉलर के ये टायर धो रहे हैं पैक हो गया सो हम स्टॉलर को पैक कर दे रहे हैं क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है और हैरी उसमें बैठते भी नहीं है अगर उनको बैठा हो ना तो वो उसमें से छलांग मार के नीचे आ जाते हैं और अश्मित जी मुझे देख रहे हैं इसीलिए तुम्हारे ब्लॉग ना 18-18 मिनट के हो जाते हैं समझ गया मैं अब मुझे बात करना अच्छा लगता है सबसे गुगली कर देते हैं ठीक है बाय अच्छी तरह धो ना अच्छी तरह ठीक है नहीं धो रहा मैं धो लो अच्छा धो लो तो ये हो गया पैक ये मेरा क्यूट ये मेरा फुटू फुटू ये हो चुका है मैम के लिए कार्ड रेडी विशु की तरफ से कुछ इस तरीके का ये देख पाओगे आप तो ये कुछ ऐसा बना है वियांश एंड मैम के लिए हैप्पी दिवाली ये बच्चे ना ऐसे चिल्ला रहे हैं ना तो अभी खाना खाते हैं तो गाइस अश्विन जी ना मेरी याददाश्त का ना नाजायज फायदा उठाते हैं तो ये अभी मैंने निकाली है अहोई माता की माला और देखो इन्होंने खुद छुपा रखा है यहाँ पे और मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैंने आपको दे दिया आपको दे दिया तो गाइस ये वाले मोती मिले इस भूखी औरत को कल खाने को नहीं मिलेगा इसलिए अभी से खा रही है 12:03 हो रहे हैं ये मेरे फेवरेट चिप्स है मैं लेके आई थी और मुझे खाने से करवाते तो इसलिए पहले ही खा रहा हूँ
गाइस आप भी खाएं, बहुत टेस्टी होते हैं। देखो इसमें मिर्ची आपको है ना, लाल मिर्ची दे दूं आपको चम्मच में डाल के, बहुत टेस्टी है। चलिए सो गाइस मेरी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। ये है अहोई माता की फोटो एंड ये है माला, ठीक है। इसमें मोती तो मुझे मिले नहीं पर मैंने शगुन के लिए फिर भी ये वाले मोती ले लिए हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये है फोटो और मिट्टी के घड़े लगते हैं दो, ठीक है। उसके ऊपर दिया एंड थोड़ा सा फल और ये जो चांदी की मूर्ति जिनको मन के बोलते हैं, और ये प्रतिमा अहोई माता की चांदी की होती है और इसको कलावे के अंदर डालते हैं। सो इस तरीके से अहोई माता का फास्ट रखा जाता है। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा अहोई माता का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो सुबह मुझे फास्ट रखना है, बेबी के स्कूल भी जाना है, दोनों बच्चों को लेके ही स्कूल जाऊँगी, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप पूरे दिन भर में निर्जल फास्ट रख सकते हो। अगर आपसे नहीं भी रखा जा रहा है तो आप थोड़ा सा दूध और फल खा सकते हो, इस तरीके से अपने फास्ट को रख सकते हो। बाद में तारे देख के खाना भी खा सकते हो। सो इस तरीके से ये फास्ट होता है। तो इस फास्ट को ना शादी के बाद भी आप रख सकते हो अगर आपकी बेबी नहीं है तो। तो गाइस मेरा सब कुछ हो चुका है, सारा ही सामान मैं ले आई थी, मोती तो मुझे नहीं मिले और मुझे खांसी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है। सो अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बच्चे से रिलेटिव मैं वीडियोस डालती ही रहती हूँ और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही वीडियो में। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना कि आपने अहोई माता का फास्ट रखा है, कैसे रखा है। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और अहोई माता का कल का व्लॉग ज़रूर देखना।